भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय से एलईडी प्रचार वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की केंद्र सरकार ने जो 7 वर्षों तक काम किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, उन कार्यों को देखते हुए एलईडी प्रचार वाहन को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रचार वाहन शहर विधानसभा व ग्रामीण विधानसभा के चौराहे पर जाकर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में प्रचार करेंगे। जिस प्रकार से 2017 से पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विकास को रोक दिया था और केंद्र की किसी भी योजनाओं को जमीन पर उतरने का काम नहीं किया तथा 2012 से लेकर 2017 तक प्रदेश में केवल 18,000 आवास देने का काम किया, वहीं प्रदेश में भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 45 लाख आवास देने का काम किया और जनपद में 32,000 आवास देने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सदर विधानसभा का विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का चुनाव है तथा जनता एक मुख्यमंत्री को चुनने जा रही है तथा विधानसभा चुनाव में 2017 से भी बड़ी जीत भाजपा की होगी। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो मोदी सरकार ने 7 वर्षों तक काम किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को लेकर के ये प्रचार वाहन एलईडी वाहन आज सभी क्रमशः अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज गोरखपुर शहर विधानसभा और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में ये दोनों प्रचार वाहन जब तक चुनाव समाप्त नहीं होगा तब तक ये हर चौराहे चौराहे पर गली मोहल्ले में जा करके हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को आम जन तक बताने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से 2017 के पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विकास को रोक दिया था, केंद्र की किसी भी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम नहीं किया, उदाहरण के तौर पर किसी भी क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से लेकर 2017 तक सिर्फ 18,000 गरीबों को आवास देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश में 45 लाख से अधिक आवास देकर के केवल गोरखपुर महानगर में, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की तुलना अखिलेश यादव की करें तो केवल गोरखपुर महानगर में उनके पूरे प्रदेश में जो 18,000 उन्होंने आवास दिया था, गोरखपुर महानगर में योगी जी की सरकार में 32,000 गरीबों को आवास देने का काम हुआ है। किसी भी क्षेत्र में विकास का एक कीर्तिमान स्थापित किया है समाजवादी पार्टी ने। जिस प्रकार से नंगा नाच किया था, हर चौराहे चौराहे पर गुंडई होती थी, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गुंडई की भाषा नहीं बोल सकता। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है और आज मुझे गोरखपुर के नागरिकों को इस बात का हर्ष है। गोरखपुर के नागरिक बाहर निकल करके इस बात का हर्ष मना रहे हैं कि गोरखपुर की जनता एक विधायक को नहीं एक मुख्यमंत्री को चुनने जा रही है और गोरखपुर का चुनाव आम जनता का चुनाव बन गया है। आम जनता निकल कर आई है और मुझे विश्वास है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रचार वाहन हमारे हैं, जो केंद्र और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को लेकर नीचे तक जाने वाले हैं, मुझे विश्वास है कि आम जनता का स्नेह और आशीर्वाद उसी प्रकार मिलेगा और 2017 से बड़ी जीत 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है।